नमस्कार, SVT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन। विपक्षी एकता की बैठक का आज दूसरा दिन। सोनिया या नीतीश बन सकते हैं संयोजक। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की याचिका मंजूर। 21 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सहारा का लॉन्च हुआ रिफंड पोर्टल। 45 दिन के भीतर आएगा पैसा। और हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे इस कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक नए टर्मिनल की बिल्डिंग लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आ रहे हैं। इससे पहले 23 जून को पटना में 17 पार्टियां विपक्षी एकता की पहली बैठक में शामिल हुई थी। पार्टी में फूट के बाद शरद पवार आज सीधे बैठक में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे। मंगलवार को होने वाली बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यवार गठबंधन, सीट शेयरिंग के अलावा महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा हो सकती है। सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक संयोजक की नियुक्ति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी के नाम पर किसी भी दल को एतराज नहीं होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगी। राहुल गांधी ने मोदी सर ने मानहानि केस में सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे सुप्रीम अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की एक अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर मामले में आपराधिक मानहानि केस जारी रखा। राहुल गांधी ने दोष सिद्धि हटाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया। अब सहारा निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं और इसके साथ पैसा वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि करीबन 1 करोड़ लोगों को पोर्टल पर अप्लाई करने के 45 दिन के भीतर पैसे रिफंड हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। ये घोषणा उच्चतम न्यायालय के 5,000 करोड़ रुपये सहारा से भी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी। हरियाणा में गग्गर और यमुना नदी की बाढ़ से 1378 गांव प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने बाढ़ का पानी उतरने के बाद मुआवजे की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने तय किया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को 20,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक दिए जाएंगे। पशुओं की मौत के मामले में दुधारू की कैटेगरी बनाकर मुआवजा निर्धारित होगा। वहीं जिन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिन्हें 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों की फसल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उनकी फसल पकने का इंतजार किया जाएगा ताकि नुकसान निर्धारित किया जा सके। चुनावी साल में महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। बाजार में जहां 160 रुपए किलो तक टमाटर के दाम हैं, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने मोबाइल वैन के जरिए जयपुर और कोटा में टमाटर केवल 80 रुपए किलो की आधी कीमत में बेचने की शुरुआत कर दी है। इस वैन पर टमाटर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में आगामी 25 अगस्त को भारत जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1,00,000 विद्यार्थी OMR शीट के जरिए परीक्षा देंगे। गत वर्ष इस परीक्षा में 80,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे।
राजस्थान में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू हो गई है। अब पुराने और कंडम वाहन को स्क्रैप कराने के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा और तमाम कानूनी पचड़े से भी बचे रहेंगे। और साथ में अपने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद सरकार आपको एक गिफ्ट देगी। ये गिफ्ट आपको हैरान करने वाला होगा। तो अब प्रदेश में पुराने और कंडम वाहन आसानी से स्क्रैप हो सकेंगे। जयपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। राजस्थान में SOG की निलंबित SP दिव्या मित्तल ने जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है। दिव्या मित्तल ने जेल नियमों के उल्लंघन और अन्य कैदियों संग कतार में खड़े फोटो सार्वजनिक कर मानहानि करना बताया है। परिवाद पर सुनवाई आगामी 25 जुलाई को होगी। निलंबित ASP दिव्या मित्तल के वकील भगवान सिंह चौहान ने बताया कि स्थगासी में सेंट्रल जेल की अधीक्षक सुमन मालीवाल, उपकारापाल हिना खान और तत्कालीन जेल प्रहरी को आरोपी बनाया गया है। परिवाद में बताया गया है कि परिवादी के ACB के मामले में महिला बंदी सुधार गृह में 20 जनवरी से 1 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान मीडिया में महिला बैरिक से उनके फोटो सार्वजनिक प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराए गए। इसमें परिवादी की सहमति नहीं ली गई और उसे जानबूझकर अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। इससे परिवादी की छवि खराब होने के साथ ही उसे मानसिक यंत्रणा भुगतनी पड़ी। राजस्थान में 5,000 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में सिंगल पॉइंट HT बिजली कनेक्शन से जुड़े LT उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिल रही है। इन बिल्डिंग और कॉलोनियों में उपभोक्ता के फ्लैट और मकान पर बिल्डिंग और सोसाइटी मीटर लगाकर बिजली सप्लाई करते हैं। उपभोक्ता के कनेक्शन पर डिस्कॉम का मीटर नहीं होने के कारण इन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। राजस्थान में 23 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 की शुरुआत इसी सत्र से होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। आज शाम 7 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए बाल वाटिका 3 में एडमिशन प्रोसेस 6 जुलाई से शुरू किया गया है। इसके लिए स्टूडेंट की आयु 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। 20 जुलाई को प्रवेश दिए गए स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। 21 से 28 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। 29 जुलाई से सेशन की शुरुआत होगी। सवाई माधोपुर में बारिश का मौसम आने के साथ ही रणथंभौर स्थित झरनों और पिकनिक स्थल पर रौनक आ गई है। बारिश के कारण रणथंभौर रोड स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर का झरना बह निकला है, जिससे यहां अच्छी संख्या में पर्यटक पिकनिक के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से पिकनिक स्पॉट पर अब तक कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिससे यहाँ हादसा होने की आशंका बनी हुई है। जिला प्रशासन ने साल 2018 में कुंड में लोगों को नहाने से रोकने के लिए अमरेश्वर स्थित कुंड पर लोहे का जाल लगाया था, लेकिन ये जाल एक ही बारिश में टूटकर बह गया। राजस्थान के कई जिलों में अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी मेडिकल अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया है। झालावाड़ में भी BCMO, CSC, PSC प्रभारियों को चिकित्सा इंतजाम की तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा व मौसमी बीमारियों से बचाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर डॉक्टर और मेडिकल विभाग के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य घुमंतू जाति बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत अपने को सरकार में OST बताता था। उसके दलाल ने परिवादी से रिश्वत लेने के लिए RPSC सदस्य मंजू शर्मा के साथ संगीता आर्य का भी नाम लिया था। ACB के उप अधीक्षक राजेश जांगे ने जब परिवादी का फूफा बनकर दलाल अनिल धरेंद्र से पूछा कि रुपए किसको दोगे, दलाल ने जवाब दिया कि संगीता आर्य को देंगे। ACB की FIR में लिखा है कि परिवादी से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी RPSC सदस्य संगीता आर्य के अलावा मंजू शर्मा और एक अन्य व्यक्ति सुरजीत मल के नाम से भी रुपए मांगे थे। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पद पर रह चुका केसावत दलालों को इन सभी से अपनी अच्छी जानकारी बताता था। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इसके चलते प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सीकर से लेकर अलवर और अजमेर तक में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते सीकर में रेल पटरियां पानी में डूब गई हैं। उधर अलवर और अजमेर में भी हालात खराब हैं। लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे दैनिक कार्य करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेशवासियों को 25 अगस्त तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।